हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही चटपटा सा नाश्ता लाई हूँ, जो आप सुबह या शाम कोई नाश्ते में चाय के साथ, बारिश का मौसम हो या फिर ठंड का मौसम हो, किसी भी टाइम आप जल्दी से बनाना चाह रहे हो अपने परिवार के लिए, नाश्ते में चाय के साथ आप इसको जल्दी से बना के झटपट और बहुत ही टेस्टी नाश्ता है, आप इसको बना के दे सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं शुरू करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने सूजी ली हूँ, बहुत बारीक सूजी नहीं हो ना बहुत मोटा ही, मीडियम साइज़ का जो सूजी होता है वही आप लीजिए। ये मैंने दो कटोरी पहले से सूजी ले ली हूँ निकाल के। आपको जितना बनाना हो आप अपने हिसाब से आप उसे ले सकते हैं। अब मैं पहले से ही कढ़ाई रख ली हूँ, जिसमें मैं ऑयल को डाली हूँ पहले से ही। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी एक चम्मच राई। राई जब छिटकने लगे, राई देख रहे हैं जैसा कि आप छिटक रहा है हमारा, उसमें मैं ऐड करूँगी एक चम्मच जीरा। अब इस दोनों को पका लीजिए। जब ये पक जाए तो इसमें मैं जितना आप सूजी लिए रहते हैं उतना ही आप पानी की मात्रा भी लीजिएगा, कम ज़्यादा मत लीजिएगा। मैंने पहले से ही दो कटोरी पानी भी निकाल के किसी भी बर्तन से आप इसमें आप पानी डालिए। और इसमें मैं ली हूँ, देखिए, लाल मिर्च पाउडर है, ये गरम मसाला है, काली मिर्च एक चम्मच, मैंने इसको पीस ली हूँ, ये अमचूर पाउडर एक चम्मच, ये सब आप इसमें मिला लेंगे। लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, गरम मसाला एक चम्मच, सबका मात्रा बराबर होना चाहिए। काली मिर्च, लाल मिर्च आप, मतलब मैं पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको आप कूट के ही, खड़ा जो लाल मिर्च होता है उसको आप कूट के भी डाल सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा देखने में और अच्छा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा मतलब मिर्चा उर्चा दे के सब घबराते हैं, इसलिए हम उसको नहीं डाल रहे हैं, ये पाउडर ही मैं डाल दे रही हूँ। इसको आप इस पानी में ऐड करिए, फिर इसको चला दीजिए। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, मैंने अमचूर पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा चटपटा हो जाता है ये सब डालने से, टेस्ट और भी बढ़ जाते हैं। और लास्ट में एक चम्मच मैं नमक ऐड करूँगी इसमें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैं और लूँगी। आप जितना कम ज़्यादा खाते हो आप मसाला और नमक की मात्रा कर सकते हैं। जब ये पानी उबलने लगे, ये देखिए मेरा पानी उबलने लगा है, अब मैं गैस का फ्लेम थोड़ा सा स्लो करूंगी। अब इसमें मैं इसको सूजी को धीरे धीरे इसमें मिलाती जाऊंगी, इसको आप चलाते जाइए। गैस का फ्लेम थोड़ा सा मीडियम में कर दीजिए, सूजी को अच्छे से पका लीजिए। ये देखिए मेरा पक चुका है, इसको बहुत ज़्यादा सूखा मत करिएगा, नहीं तो फिर बाद में टिक्की या इस मतलब कोई भी आप स्पेस इसको देंगे कोई भी शेप इसको, तो फिर दिक्कत होने लगेगी। तो अब इसको मैं फ्लेम गैस का बंद करूँगी। अब इसको एक बर्तन में, अब इसको मैं एक डोंगे में निकाल लूँगी। तो
दोस्तों ये देखिए मेरा ये सूजी पक के तैयार है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। इसमें मैं एक 3 बड़े साइज के आलू मैंने इसको बॉयल करके मैश कर लिए हैं, इसको भी मैं इसमें ऐड करूंगी। ये मैंने आलू इसमें मैश कर लिए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी कटे हुए हरा धनिया, अब ये तीनों को मैं अच्छे से मिला लूंगी। अब इसको मैंने देखिए मैश कर लिया है, अच्छे से मैश हो गया है। ये सूजी, आलू, हरा धनिया ये सब मैंने एक ही में अच्छे से मिला लिए हैं। अब ऊपर से अब थोड़ा सा तेल लगा के इसको थोड़ा सा 5 मिनट या कुछ तो टाइम कम के लिए, कम से कम 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए आप ऐसे ही ढक के रख दीजिए। थोड़ा सा सेट हो जाएगा तब टिक्की आपका अच्छे से बन पाएगा। पाँच मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया है। अब चलिए आगे काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, 5 मिनट हो गया है। अभी हमारा देखिए अच्छे से सेट हो गया है। कोई भी स्नैक्स बनाने के लिए कोई भी आप शेप इसको दे सकते हैं, आप अपने मन चाहा इसको शेप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले से ही कढ़ाई वही साफ़ करके रख ली हूँ गैस पे। अब इसमें मैं डालूँगी रिफाइंड ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ रिफाइंड ऑयल यूज कर रही हूँ फ्राई करने के लिए इसको। देखिए मैं यहाँ एक ली हूँ चकला जिसपे मैं थोड़ा सा ऑयल लगा ली हूँ एक बूंद हल्का सा डाल के। अब इसमें मैं इसको आज मैं इसको फिंगर शेप देने जा रही हूँ। आप कोई भी इसको शेप दे सकते हैं, एक बार आप इसको फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करिएगा। जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा खाने में टेस्टी ये लगेगा, आप बिलीव करिए, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए इसको मैं इसको आप थोड़ा सा साइड से भी चिकना चिकना कर लीजिएगा ऐसे, बस देखने में सही लगे। देखिए ऐसा स्नैक्स टाइप में लग रहा है ना, देखिए कितना स्वादिष्ट है ये। एक बार आप इसे हमारी बात मानिए, एक बार ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। हो सकता है बहुत से लोग इसको बनाए भी हों लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो लोग नहीं बनाए हैं इसको एक बार ज़रूर बना के खाएं। आप हमेशा ये बहुत ही ईजी है बनाना, इसे झटपट में नाश्ता आपका शाम के टाइम चाय के साथ आप इसको दे सकते हैं। शाम के टाइम इसको आप बना के अपने परिवार वालों को, अपने बच्चों को, किसी को भी आप, या कोई गेस्ट आ गया आपके यहाँ तो झटपट इसको आप बना के उसको खिला सकते हैं। दोस्तों रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मेरा ये आज का टॉपिक अगर आपको जैसा भी लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो डाउनलोड करें तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंच जाए। इस तरह से हमने अपने सारे स्नैक्स बना लेंगे। आपको देखने में कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा, एक बार अपने घर में इसको ज़रूर ट्राई करिए। बहुत ही इजी है दोस्तों, बहुत इजी है बहुत।
आप लोगों का साथ बना रहेगा हमारे साथ, तो फिर आगे और भी आपके लिए थोड़ा सा अच्छे टॉपिक लाएंगे। अभी तो मैं शुरुआत की हूँ जैसा कि आप जान ही रहे हैं। बहुत से दोस्त मेरे कहते हैं कि आपका आवाज़ बहुत स्लो आता है, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मेरा जॉइंट फैमिली है और मेरे किचन से अटैच जो है हमारा जो ड्राइंग हॉल है, जहाँ सब सब बैठ के शाम के टाइम टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, मतलब शाम के टाइम सब बैठे रहते हैं, तो इसलिए आवाज़ हमारी पूरा क्लियर नहीं जा पाती है। थोड़ा सा अजीब सा लगता है बोलने में क्योंकि अभी शुरुआत की हूँ, झिझक हो रहा है बोलने में क्योंकि अभी परिवार वाले तो थोड़ा सा बहुत लोग तो इससे अनजान ही हैं, बस मेरे बच्चे और हस्बैंड जान रहे हैं, बाकी मेरे सास ससुर और परिवार में अभी लगभग कोई नहीं जानता है, तो इसलिए थोड़ा सा धीरे धीरे टाइम लगेगा, आप लोग भी कंप्रोमाइज़ करिए हमारे साथ। मैं अपने पूरे परिवार के लिए शाम के नाश्ते में बना रही हूँ, आप भी एक बार बनाइएगा। हमारे यहाँ जान लीजिए कि बहुत लोग रहते हैं, ऊपर नीचे सब रेंट पे रहते हैं, तो थोड़ा सा वीडियो बनाने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ अपनी तरफ से अच्छा करने की। अगर आप लोगों को भी थोड़ा सा भी परेशानी हो तो प्लीज़ बताइएगा, आवाज़ में या किसी और चीज़ में मैं और सुधारने की कोशिश करूँगी। आप लोग भी थोड़ा सा हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करिए। तो देखिए जैसा कि मैंने तेल रख दिया है, अब लगभग ये गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें डालूँगी अपने स्नैक। तो चलिए दोस्तों धीरे धीरे मैं एक एक करके इसमें डालती जाऊँगी इसको। थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर लीजिएगा। आप इसको स्क्वायर में, सर्कल में, कोई भी आप इसको शेप दे सकते हैं, कोई भी जो आप मन चाहा आप अपने इसको इससे शेप दे सकते हैं इसको। मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, सारी फैमिली को, मेरे हमारे बच्चों को बहुत ही पसंद है ये। मैं इसको लगभग ही बनाती रहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा आज कि आप के साथ इसको शेयर करूं। तो प्लीज़ आप लोग अपना साथ हमारे साथ हमेशा बनाए रखिए, इससे मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। आप लोगों का कमेंट पढ़ती हूं तो अंदर से खुशी मिलती है। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही, ये खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी है, ये चटपटा सा। जो लोग चटपटा खाने के लिए थोड़ा सा शौकीन है उनके लिए तो बेस्ट है जाने की, बहुत ही कुरकुरा रेसिपी है ये, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जी। ये देखिए हमारा स्नैक्स बनके तैयार है, देखिए कितना क्रिस्पी लग रहा है देखने में ही, वाव सुपर यम्मी। अब इसको मैं प्लेट में निकाल दूंगी, आप इसी तरह से अपने सारे स्नैक्स या टिक्की जो भी आप बोले इसको बना सकते हैं।
अब मैं इसको, ये देखिए कितना ये क्रिस्पी है, देख सकते हैं जैसा कि आप देख लीजिए कितना क्रिस्पी टेस्टी है ये, बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा एकदम टेस्टी। अब इसको मैं हरे धनिए और सॉस के साथ सर्व करूँगी। तो दोस्तों हमारा ये नाश्ता ब्रेकफास्ट जो है बन के तैयार है। ये हम टोमेटो सॉस लिए हैं और ग्रीन चटनी में धनिया और टमाटर की पहले ही तैयार में कर ली थी। तो आपको हमारा फ्रेंड्स ये वीडियो आज का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग फॉर माई वीडियो। वेल टेक केयर, इंजॉय इट। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज।